मैं इसमें रायबरेली के लालगंज कस्बे में हूँ, जहाँ पे शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू होने वाले कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसकी तैयारियों में कारीगर जो पश्चिमी बंगाल से आते हैं वो कारीगर यहाँ पे कार्य करने में जुटे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अब की बार कौन कौन से कलर की प्रतिमाएं कै फुट की बनाई जा रही हैं, क्या पर्चे है? मेरा नाम देवी शंकर तिवारी है, घोषियाना वार्ड नंबर 12 लालगंज रायबरेली। अभी शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है, कितनी मूर्तियाँ इस बार बनाई गई? मेरे पास 150-150 मूर्तियाँ बनती हैं, छोटी बड़ी मिला करके, और उसमें जो है हम लोग तैयारी करते हैं। तैयारी 4-5 महीने पहले से करते रहते हैं, धीरे धीरे तैयारी करते हैं। अभी समय पर तैयारी 3 तारीख से पहला प्रथम दिन है शारदीय नवरात्र का, और हम लोग इसमें पूरी तैयारी से एकजुट होकर के काम करते हैं, और ऐसे रंग का प्रयोग करते हैं कि जो गंगा प्रदूषण में वो ना हो, अच्छे रंग का प्रयोग करते हैं जो कि प्रदूषित ना करे गंगा जी के जल को। अब की बार जो डिमांड मूर्तियों की हुई है, कै फुट की बनाई जा रही है? मेरे पास 3 फुट है, 4.5 फुट है, 6.5 फुट है, 8 फुट तक, 10 फुट तक मूर्तियाँ बनाते हैं। नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं? नवरात्र 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को प्रथम दिन, पहला दिन नवरात्र का पहला दिन है। कितनी बनाई गई डिमांड की? मेरे पास डिमांड 50 छोटी हैं, 50 उससे 6.5 फुट में हैं और 50 उससे 8 फुट में हैं। इस तरह से 150-200 मूर्तियाँ हम बनाते हैं। हमारे यहाँ सब कारीगर बाहरी कारीगर काम करते हैं। कहाँ कहाँ के कारीगर? पश्चिमी बंगाल के ज़्यादातर आपके यहाँ? ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हैं, हावड़ा के हैं, नदिया के हैं, कृष्णानगर के हैं, और तमाम उसे कस्बों में, उसी में से छोटे छोटे गांवों के रहने वाले हैं, देवी बाजार है आदि आदि में छोटे छोटे गांवों से अपने बनाने आते अच्छा, हैं। जिस हिसाब से महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि इन मूर्तियों से आप लोगों का जो पालन पोषण आगे का परिवार की स्थिति? नहीं, ये तो हाई है, इसी के सहारे हमारा जीवन यापन होता है। अभी ये जो कोई बेच करिए ही हमारा सब खान पान चलता है, एक घर परिवार चलता है, बाकी मेरे पास और कोई बिजनेस तो है नहीं, ये मूर्ति का ही व्यवसाय है। इसी व्यवसाय से हम लोग हम टिके हैं, हमारे सारे भाई जो लगाते हैं काम करते हैं, नौकर जो भी हैं बाहरी, वो सब उनको देते लेते रहते हैं, हम भी हमारा भी चलता है, उनका भी चलता है, दोनों परिवार सबका एक दूसरे से साझे में चलता रहता है, और उनको देते सैलरी मिलती है, हमको भी जो बच जाता है थोड़ा बहुत। क्या नाम है? तपस्पाल। तपस्पाल, इसमें शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है, कौन कौन सी मूर्तियाँ इस बार बनाई? दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, उसका गणेश, विश्वकर्मा सब। तो कितने महीने पहले से मूर्तियाँ बनाना शुरू कर? लगभग 6 महीने। तो क्या क्या लाते हो, कहाँ से ये सामान इकट्ठा करते हो? ज़्यादातर कलकत्ता से आता है सामान, पेंट वेंट सब, साज बाल सब कलकत्ता से आता है, और इधर मिट्टी उट्टी की जगह है। तो अब की बार कितनी मूर्तियाँ बनाए हुए? लगभग 150 है, छोटी बड़ी मिलाए। अच्छा, अब की बार कोई ऐसी मूर्ति बनाए हुए हैं जिससे जो आकर्षित का केंद्र बने? सामने एक है, पीछे एक नाग माता बनाया, नाग पीछे। अच्छा, जो गंगा प्रदूषण को लेकर बड़ा मुहिम चलता है, उसको लेकर आप लोग क्या करते हो, कौन से कलर के यूज करते हो जिससे गंगा दूषित ना हुआ करे? नहीं, हम लोग से ये सब मिट्टी का ही कलर है, ये सब मिट्टी में, सब पानी में सब मिल जाएगा, तो कोई प्लास्टिक में नहीं है, सब मिट्टी का ही कलर है। तो कितने लोग आपकी टीम वहाँ से आई है पश्चिमी बंगाल से? 4 आदमी आया, या का एक आदमी है। कौन कौन है? हमारे इधर 4 आदमी है, या का एक आदमी है। कपूर जी, कब से आप लोग पश्चिमी बंगाल से आके यहाँ की मूर्तियाँ बनाते हैं? यहाँ तो तुम्हारा 3 महीने से मूर्ति बनाता है, फिर बना के घर चला जाता है, फिर आता है घर के लिए। अच्छा, काफ़ी मेहनत पड़ती होगी, कब से ये बनाते हैं, क्या क्या कहाँ से सामान लाते हैं, इकट्ठा करते हैं? कोलकाता से सामान लाते हैं सब। अच्छा, जो कुछ मंगाते हैं, कपड़ा, मुकुट, गहना, सब सब कोलकाता से आता है। अब की बार कितनी मूर्तियाँ बनाए हैं? 50। तो लागत निकल आता है? क्या रेट अब की बार बिक रही है? रेट का तो मालूम नहीं है, हमारा सेट का मालूम है। तार करने में जुटे हुए हैं पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।